दोस्तों, कोई भी योजना में अगर आप अप्लाई किए, प्रधानमंत्री का कोई भी योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे शौचालय योजना हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे कोई भी योजना हो, अगर उस योजना के तहत अगर आपको पैसे आपके अकाउंट में आए हैं और अगर आप उस अकाउंट को चेक करना चाहते हैं घर बैठे कि आपके जनधन के अकाउंट में 1,000 रुपये आए या नहीं आए, उज्ज्वला योजना का या फिर पेंशन लिस्ट कोई भी सबका, आप जो कि फंड जो कि घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि पैसा आया है कि नहीं, स्कॉलरशिप का पैसा आया है कि नहीं, उसके बाद जनधन का पैसा आया है कि नहीं, विधवा पेंशन का आया है कि नहीं, सब कुछ आप यहाँ पे सिर्फ एक क्लिक में, जो सिर्फ आपको अकाउंट नंबर डालना है उसके अलावा कुछ भी नहीं डालना है और बैंक नेम डालना है, और जो कि आप घर बैठे जो कि देख पाओगे कि आपका जो कि खाते में पैसे आया है कि नहीं। तो दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा। लाइक करने से ना तो आपका पैसा कटेगा ना ही मुझे पैसा मिलेगा, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। तो आप ऐसी जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो ऐसी जानकारी मिलता रहेगा। और यहाँ पर छोटी सी घंटी आएगी, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी नई जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको मिलेगा। और यहाँ से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। यहाँ पर शेयर वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सअप आ जाएगा, आपको व्हाट्सअप पर लोगों को शेयर करना ताकि वो भी अपना सारे स्कीम, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम योजना है, उनका फंड जो आए वो चेक कर पाए अपने अकाउंट में, ठीक है। और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन जाओगे तो यहाँ पर आप लिंक मिल जाएगा, तो आप इस लिंक पे भी जाकर विजिट कर सकते हो सारी योजनाओं के बारे में, ठीक है। और आपको यहाँ पे कमेंट करना है अपना नाम, गाँव, पता और मोबाइल नंबर, ताकि सबको, सब लोग आपस में मिलकर एक दूसरे का हेल्प कर सकें, फ़ोन कर सकें, अगर किसी को योजना मिला तो कैसे मिला वो आपस में इस तरीके से आप बात कर पाओगे। तो आपको कमेंट करना ज़रूरी है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको गूगल क्रोम में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर PMFS आपको सर्च करना है। उसके बाद आपको सर्च करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे जाना है और यहाँ पर आपको लिखेगा नो योर पेमेंट, आपको पेमेंट अपना चेक करना है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बैंक बैंक लिखने के लिए, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मेरा यूनियन बैंक है, तो मैं यहाँ पे यूनियन बैंक लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, जैसे यूनियन डालोगे यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर और यहाँ पर कैप्चर कोड भर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह सब चीज़ डाल दिया और यहाँ पर मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने सर्च पे क्लिक किया, नीचे आप देख सकते हैं चंपा देवी स्कीम क्या है, विधवा पेंशन योजना का यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे UTR नंबर, फेलर रीजन, अगर मान लीजिए पैसा नहीं उस महीने में आया था, क्यों नहीं आया, यहाँ पर रीजन देखेगा। और यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट है, यहाँ पर 1500, 3000, 2000 सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन है। और यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, इतने तारीख को पैसे खाते में आए हैं और इतने तारीख को ये बैंक वाले ने चढ़ाया है। तो इस तरीके से आप जो कि यहाँ पे अपना जो कि बैलेंस आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।